हॉकी का था ना, ये फुटबॉल का है। ऐसे तो 83 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कि फिनलैंड में जैसे 83 में कुछ उस जमाने में हुआ था क्रिकेटर्स के साथ, वैसे वैसे मुझे 83 की भी वाइब्स आई। लेकिन हर मूवी के कुछ ना कुछ कनेक्शन से ऐसा हमको लगता रहेगा, बट ये वैसा। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैगजीन वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों भोला, जी हाँ दोस्तों, अभी जस्ट भोला देख के ही हम लोग बाहर आए हैं और आ गया है दोस्तों मैदान का टीजर अजय देवगन स्टार, जो कि चार साल से अटकी पड़ी थी और फाइनली आज टीजर रिलीज कर दी गई है दोस्तों। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रियंका जी को मैंने रोक के रखा कि अभी फाइनली मैदान का टीजर आ रहा है, तो आप रुक जाओ कम से कम 15-20 मिनट। तो इन्होंने वेट किया और फाइनली आ गया टीजर, इन्होंने देख लिया टीजर। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे, बोला तो इनको अच्छा लगा ही, अब इनको मैदान का टीजर कैसा लगा इनसे जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो अभी हम भोला देख के निकले एंड पता चला कि मैदान का टीजर आ गया। थिएटर में तो नहीं दिखाया, तो अभी हमने मैदान का टीजर यहाँ पे देखा अपने फ़ोन में। सो टीजर एक तो ये ट्रू स्टोरी है, सबको पता है, बट टीजर जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त है। अजय देवगन सर का जब आता है अंदर, मतलब जो उनकी एंट्री होती है सिगार के साथ, सिगरेट पीते हुए, बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब ये जो ट्रू स्टोरी है ना, ये कुछ बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो हम नहीं जानते, वो इससे पता चलेगा। गोल्डन एरा बोलते हैं, 1952-62 को गोल्डन एरा माना जाता है। अभी उस ज़माने में क्या हुआ था ये अब इससे पता चलेगा। 1.5 मिनट का टीजर है। हाँ टीजर तो 1.5 मिनट का निकला, तो ट्रेलर तो शक का 5 मिनट का रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना कि पूरी की पूरी मूवी वो लोग ट्रेलर में बता दे। अगर आपको बनाए ना तो स्मार्ट कट तरीके से बताना, ताकि कुछ रिवील ना हो सस्पेंस। क्या कहेगा अजय देवगन के लुक के बारे में वगैरह? इसमें उनका लुक कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट लुक दिखाया है। बिकॉज वो अपना जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं उसमें अलग अलग लुक्स रहते हैं, अलग अलग रोल रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट ही करने वाले। अभी हाल ही में भोला को हमने देख के निकले, उसमें अलग कैरेक्टर और रोल था। अभी यहाँ पे भी कुछ अलग ही डिफरेंट कैरेक्टर है उनका। क्या कहेगा 23 जून को रिलीज डेट दिया गया, 23 जून को रिलीज हो रही है। जून महीने में आपको पता ही है बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, उसके बीच में मैदान आ रहा है, तो फिर पता नहीं मैदान में जंग छिड़कने वाली है। मैदान बाजी मारेगी, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। पहले जवान का टीजर आने दो, जवान का ट्रेलर आने दो, जवान कितना चलता है वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहीं ऐसा हो ना, अगर जवान भी पठान की तरह कंटिन्यू रहा तो फिर मैदान का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, अभी हम पहले वेट करेंगे कि क्या होता है आगे। अभी से कुछ प्रिडिक्शन नहीं लगाना है। और एक्टर हैं, आपने अभी जस्ट निकला बोला देख के निकली हुआ, गजराज राव, उनका भी झलक दिखा था। उनका भी झलक दिखा, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट लगे वो। अभी उनका यहाँ पे क्या रोल है ये नहीं पता, बट इसमें जो फुटबॉल खेलने का जो तरीका दिखाया है ना, वो पक्का गूज़बम्प्स देगा। जिस तरीके से वो बॉल को उछाल रहे हैं, वो गूज़बम्प्स देगा। मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब्स आई, लेकिन वो हॉकी का था ना, ये फुटबॉल का है। ऐसे तो 83 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कि फिनलैंड में जैसे 83 में कुछ उस जमाने में हुआ था क्रिकेटर्स के साथ, वैसे वैसे मुझे 83 की भी वाइब्स आई। लेकिन हर मूवी के कुछ ना कुछ कनेक्शन से ऐसा हमको लगता रहेगा, बट ये वैसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। हमने हॉकी देख लिया, चक दे इंडिया, गोल आई थी जॉन अब्राहम सर की, हाँ वैसे भी कुछ थोड़ी थोड़ी मुझे लगी, बट हो सकता है कि ये कुछ अलग अलग एरा का हो, वो कुछ अलग एरा का हो। अभी कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते, देखते इसका ट्रेलर आने दो फिर पता करते हैं। प्रियंका जी बहुत पोस्टपोन हुई है मूवी, 4 साल से पोस्टपोन हो रही है, फाइनली जाके आ रहा है जो क्यों पोस्टपोन कर रहे थे, ये तो बहुत पहले ही आनी चाहिए थी ना। को लेकर बहुत पोस्टपोन हुई, कोरोना आ गया था ना। लेकिन कहीं ऐसा ना कि फिर लोग बोले कि इसको OTT पे ही निकाल दे तो अच्छा होता था। अजय देवगन OTT पे नहीं आते, वो कभी OTT पे नहीं आते, वो OTT स्टार नहीं है। एक मूवी आई उनकी ब्रूस, हाँ लेकिन ये बड़ी मूवीज तो कभी OTT पे नहीं आती है। बस पब्लिक ने 83 को प्यार दिया, गोल को प्यार दिया, चक दे इंडिया को प्यार दिया, तो फिर अजय देवगन सर की बारी है। चलिए टीजर को अगर रेटिंग देना तो कितना दोगे? टीजर को मैं अभी फिलहाल दूंगी 3 out of 5, क्योंकि टीजर वैसे तो मुझे थोड़ी थोड़ी जैसे आप बोल रहे हो कि वाइब्स दे रहे थे, लेकिन अभी टीजर में कुछ हम कुछ जज नहीं कर सकते। पहले देखते हैं कि ट्रेलर में क्या आता है। ट्रेलर में डायलॉग डिलीवरी देखो, कुछ इतना कुछ खास नहीं है, कुछ गूज़बम्प्स वाला या कुछ वाहवाही वाला डायलॉग नहीं था। अब देखते हैं इसमें आगे ट्रेलर में क्या दिखा है। सो ऑडियंस, मैंने तो देख लिया मैदान का टीजर, अभी आप बताइए कि आपको टीजर कैसा लगा। 1.5 मिनट का टीजर था, तो अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा, खासकर अजय देवगन सर की लुक के बारे में बताना। अभी हाल ही में भोला का उनका ऐसा लुक था, अभी इसको मैदान के टीजर में ऐसा लुक दे दिया,
तो आपका क्या कहना है इस पर प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, एंड अगर और कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड अगर गोल्डन एरा के बारे में, उस जमाने के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो मेरा वाला वीडियो पसंद है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए।